वाराणसी मंदिर भरमौर दुनिया का एकमात्र मंदिर, यहाँ लगती है धर्मराज की कचहरी, कर्मों का होता है पूरा हिसाब। देवभूमि हिमाचल के जिस कोने में आप जाते हो, वहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर आपको जरूर मिलेगा। कुछ मंदिर के बारे ऐसी कहानी प्रचलित है कि जिन्हें सुनकर बड़ी हैरानी होती है। ऐसे ही एक मंदिर के बारे में हम आप आज बताते हैं, जहाँ आप जिंदा रहते नहीं आए तो बनने के बाद आना पड़ेगा। इस मंदिर में मौत के बाद फैसला लिया जाता है कि आपको स्वर्ग या नरक मिलेगा। भरमौर स्थित 84 मंदिर। इस मंदिर की मान्यता है कि यह एकमात्र मौत के देवता का अकेला मंदिर है। इस मंदिर में माना जाता है, इंसान अगर जिंदा रहते हुए नहीं आया तो उसे मौत के बाद उसके आत्मा को यहाँ आना पड़ता है। यहाँ आने के बाद उसके पाप और पुण्य दोनों का फैसला कर के उसे स्वर्ग और नरक में भेजा जाता है। इस मंदिर में आने वाली आत्मा को धर्मराज के पास जाने से पहले एक और देवता के पास जाना पड़ता है, जिन्हें चित्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में एक खाली कमरा है, जिसे चित्रगुप्त का कमरा माना जाता है। चित्रगुप्त यमराज के सचिव है, जो जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। मान्यता है कि जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है, तब यमराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़कर सबसे पहले इस मंदिर में चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त जीवात्मा को उनके कर्मों का पूरा ब्यौरा देते हैं। इसके बाद चित्रगुप्त के सामने के कक्ष में आत्मा को ले जाया जाता है। इस कमरे को यमराज की कचहरी कहा जाता है। 84 मंदिर, जहां मरने के बाद सबसे पहले पहुंचती है आत्मा, एक ऐसा मंदिर है जहां मरने के बाद हर किसी को जाना ही पड़ता है, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक। यह मंदिर दुनिया में नहीं बल्कि भारत के जमीन पर स्थित है। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर हिमाचल के चंबा जिले में भरमौर नामक स्थान में स्थित इस मंदिर को बारे में कुछ बड़ी अनोखी मान्यताएं प्रचलित है। 84 मंदिर भरमौर शहर के केंद्र में स्थित है और लगभग 1400 साल पहले बनाए गए मंदिर के कारण यहाँ पर बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। मंदिर परिसर के चारों ओर भरमौर केंद्र में लोगों का जीवन 84 मंदिर की परिधि में बनाए गए 84 मंदिरों के कारण नामित है। 84 नंबर 84 के लिए हिंदी शब्द है। मणिमाहेर का सुंदर शिखर शैली मंदिर परिसर का केंद्र है। इस मंदिर किसने और कब बनाया, इस विषय में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन इस मंदिर के टूटे गए सीढ़ियों, जीर्णोद्धार, चंबा सिरिसायत के राजा मैरू बर्मन ने 6वीं शताब्दी में कराया था। यह माना जाता है कि जब 84 सिद्ध कुरुक्षेत्र से आए थे, जो लोग मन्नमाशेद की यात्रा के लिए भरमौर से गुजर रहे थे, तो वे भरमौर की शांति के साथ प्यार में गिर गए और यहाँ पर ध्यान देने के लिए सुलभ हो गए। 84 मंदिर परिसर से जुड़ा एक और किस्सा है। ऐसा माना जाता है कि शाहिल बर्मन के ब्रह्मपुरा के प्रवेश के कुछ समय बाद 84 योगियों ने इस जगह का दौरा किया। वे राजा के आतिथ्य से बहुत प्रसन्न थे। राजा के कोई भी संतान नहीं थी। तब योगियों ने राजन को वरदान दिया कि उसके यहाँ 10 पुत्रों का जन्म होगा। कुछ सालों बाद राजा के घर 10 बेटों और एक बेटी ने जन्म लिया। बेटे का नाम चंपावती रखा गया था और चंपावती की नई राजधानी चंबा की पसंद की वजह से स्थापित किया गया था। कहा जाता है भरमौर का 84 मंदिर
84 योगियों को समर्पित किया गया था और उनके बाद 84 नामित किया गया था। 84 मंदिर परिसर में 84 बड़े और छोटे मंदिर है। 84 भरमौर के केंद्र में एक विशाल स्थल का मैदान है जहां ज्यादातर शिवलिंग के रूप में मंदिरों की आकाशगंगा मौजूद है। 84 मंदिर का दृश्य देखने लायक है। कहते हैं महाशिवरात्रि पर्व पर पाताल लोक में विराजमान भगवान शिव कैलाश को प्रस्थान करते हैं। इस यात्रा के दौरान शिव भगवान चंबा भरमौर स्थिति अति प्राचीन 84 मंदिर में विश्राम करते हैं। उनके इस विश्राम को साकार रूप देने के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु भरमौर के 84 मंदिर में जुटते हैं। साल में यह पहला मौका है जब रात के 4 पहर विशेष पूजा अर्चना चलती है और लतागार घंटियों का शोर समूचे भरमौर में सुनाई देता है।